नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्या और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मालिका में आखिर कलयुग के अंतिम कालखंड में क्या क्या होने वाला है। तो ये वीडियो हम आपको पहले से बता रहे हैं, आपके मन में डर पैदा करने के लिए हम ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि मालिका में जो लिखा गया है वह सब आपके सम्मुख लाने के लिए हमारा प्रयास इसी ओर है। तो फिर मेरे साथ जुड़े हैं मालिका के रिसर्चर और जगन्नाथ कथा संस्कृति के प्रचारक स्वामी जी बाबा दिवाकर दास महाराज। जी आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। दर्शक हमारा आज जानना चाहते हैं कलयुग की अंतिम कालखंड में कैसा होगा लक्षण और क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे। मालिका में जो भी लिखा गया है, मतलब इतने डरावना चीजें लिखे गए हैं, क्या वो सब सच में सच होगा? सभी दर्शकों को मेरे बहुत सारा प्यार और प्रणाम, सभी भक्तों को। तो महापुरुष अच्युतानंद जो उड़ीसा में जन्म लिए थे महापुरुष, अगले भविष्य के बारे में वो भी बता रहे हैं क्या होने वाला है। तो आप उड़िया की पद है लेकिन हम आपको जी, बिल्कुल, हिंदी बिल्कुल, में बताएंगे। पहले तो बाबा जी आपको बताएंगे उड़िया में, फिर उसके बाद इसका हिंदी में क्या होगा ट्रांसलेशन वो भी बताएंगे। क्या होने वाला है आप हैरान हो जाएंगे, जो अगले 5 साल में होने वाला है। पाँच साल में होने वाला है। तो क्या होने वाला है अब देखिए, महापुरुष अच्युतानंद ग्रंथ के नाम है जाई फूल मणिका। कांधेई कांधेई मोड़ा फाटी जीव कांध पाची चमोड़ा लो जाई फूल देह होई जीव सरी पीड़ा जाई फूल। महापुरुष अच्युतानंद लिखा है तो अगले 5 साल में ऐसा रोग आएगा जो लोग मेडिकल जाएंगे, जो डॉक्टर है हमारे, वो रोग को पहचाने नहीं सकेंगे। ऐसे होने वाला, इस रोग को पहचान नहीं पाएंगे, मतलब कोरोना जैसे महामारी जैसा आया, हाँ। उसका पहचाने भी काफी वक्त लग गया, तो ऐसे भी और भी मतलब नए नए रोग आएंगे, हाँ। उनको पहचाना भी मतलब नहीं जा सकता है। बहुत सारा रोग आएगा, उसका नाम भी आपको पता नहीं, डॉक्टर हैरान हो जाएंगे ऐसे रोग को देखकर। जहाँ अच्युतानंद महापुरुष मालिका में लिखा है जो हम बता रहे हैं अभी वीडियो में, तो ये 5 साल में होने वाला है, इससे रोग आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर के पास आपके उसकी दवाई नहीं मिली, तो इससे रोग आने वाला है। तो कोरोना के जैसे भी और रोग जो लोग दिखने वाले हैं, ऐसे ही महापुरुष के बाद सत्य हुआ, क्योंकि कोरोना के बारे में हम भी बताए थे लेकिन उड़िया में बताए थे, तो इसलिए बाहर जो लोग देख रहे हैं हमको वही लोग जान नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं कि 5 साल में ऐसे ही रोग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होगा इस जो पद हम पढ़े हैं उसके बारे में बताएंगे, तो इतना लोग मरेंगे सत्य बाबू, तो लोग लाश को श्मशान तक लेके हैरान हो जाएंगे। और क्या होगा, जाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, श्मशान तक लेने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। अगले ये घटना आप देखेंगे, आंखें देखेंगे बहुत सारा, और ये अब क्या होगा ना, बहुत सारा एक्सीडेंट होगा जो रोड में अभी जो चल रहे, आप तो अभी गए, अभी तो चल रहे, वो क्या बताए विशेष बारे में ना। तो बार बार ये घटना आपके घर में घटेंगे, 4 रोग आपके घर में होंगे, चार रोग कंपल्सरी आपके घर में होंगे। महापुरुष लिखा है 4 रोग, और 4 रोग क्या है महापुरुष अच्युतानंद लिखा है, उड़िया में हम पढ़ेंगे और बाद में आपको हिंदी में समझाएंगे क्या लिखा है। वो 4 रोग क्या है, रक्तचाप मधुमेह घरे घरे हेब हृदघात वायु रोगे प्राणी जे मरीब। ये 4 रोग होने वाला है। वो 4 रोग क्या है, रक्तचाप, एक तो हो गया ब्लड प्रेशर, पहले रोग ब्लड प्रेशर घर घर में होगा, जी जी वो तो है। और महापुरुष ने बताया रक्तचाप मधुमेह, मधुमेह के बारे में साफ तो बताया, डायबिटीज, डायबिटीज हो गए घर घर में, डायबिटीज जिसको देखते वही शुगर के पेशेंट है, क्या करें, सभी तो शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। और मिठाई को देखेंगे तो वो भी डरने लगेंगे, मीठा तो खाएंगे नहीं लेकिन मीठे बात भी नहीं करेंगे, ऐसे लोग पैदा होंगे। और शॉपिंग मॉल में हम जब जाते हैं हमें मिल जाता है शुगर फ्री, हाँ सभी शुगर फ्री चॉकलेट मिलेगा, रिलेशन भी शुगर फ्री हो जाएगा। अच्छा, मिठास, वो मिठास नहीं होगा, मिठास नहीं होगा, ये तो लोग अपने तो स्वार्थ के लिए संपर्क जुड़ेंगे, सभी लोग कलयुग में स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो रिलेशनशिप भी खत्म। तो देखिए सत्यवा, आप
हम आपको बताएंगे कि जो हम पहले जो खाना खाते थे, जो थाली में खाते थे, वो कितना मजबूत था, वही तरह संपर्क था और रिलेशनशिप वही था। अभी तो यूज एंड थ्रो हो गया, पानी पीते ही यूज एंड थ्रो में फेंक दो, और हस्तों को सफाई करने के लिए भी यूज एंड थ्रो के रुमाल मिल रहे हैं, वही भी फिर आ गया, फेंक दो, टिश्यू पर आ गया, फेंक दो। हाँ ठीक है, सो तो फिर हम जब जाते हैं कहीं खाने के लिए बारात में, तो फिर वहाँ पे भी यूज एंड थ्रो का पेपर मिलता है, खाना खाओ वो भी फेंक दो, थाली भी फेंक देते हैं, वही तो रिलेशनशिप हो गया, काम खत्म तो रिलेशनशिप खत्म, वही महापुरुष ने लिखा है, रक्तचाप मधुमेह ये घर घर होगी, और क्या हो, हृदघात, हृदघात आप जानते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक रोगी महापुरुष ने लिखा है, बहुत सारा बढ़ जाएंगे। अब हम इस तरह बातें कर रहे हैं और एक मिनट में चले जाएंगे तो ये वीडियो चल रहा है, हम दोनों से कौन मरेगा ये भी पता नहीं, महापुरुष के हार्ट अटैक होगा जी, बिल्कुल घर घर में हार्ट अटैक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोज ही वायरल होते हैं, हमें देखने को मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बैठा है, कोई लिफ्ट में जा रहा है, कोई सामने बैठ रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, महापुरुष ने इस बात को लिखा है, तो इस तरह पहले से नहीं होता जी, बिल्कुल। तो अभी जो आप देख रहे हैं मेडिकल में बेड नहीं मिल रहा है, लोग नीचे सो रहे हैं, जो रोगी जाते हैं आप देखें, वही बहुत सारा लोग यहाँ ट्रीटमेंट के, जो सही ट्रीटमेंट है वही नहीं मिल रहा है मेडिकल में, सही बात है, वही तो हार्ट अटैक हो रहा है, तो जिसको देखो क्या हुआ, अपना ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है हमारा, तो लोग हार्ट अटैक में मरेंगे, और क्या, और रोग, चार रोग हम बताए थे, तीसरा गैस की प्रॉब्लम, अच्छा घर घर में होगी गैस की प्रॉब्लम, लोग फास्टिंग कर रहे थे पहले, व्रत रख रहे थे, अभी जो लोग हमको देख रहे थे कमेंट में बताइए आप, जे अभी व्रत नहीं रख पाएंगे क्योंकि फास्टिंग नहीं कर पाएंगे आप, उपवास नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उपवास करने से आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, और लोग जो है वही लोग है, तो क्या हम खाने के बिना तो नहीं जी पा रहे, तो खा लेते हैं, जो व्रत के श्रेष्ठ व्रत है एकादशी व्रत, निर्जला होता है, तुलसी का जल हम पाते हैं, वही व्रत साधु संत ने छोड़ देंगे, अच्युतानंद महापुरुष से इसे भी लिखा है, जो साधु संत एकादशी भी नहीं करेंगे, जो श्रेष्ठ व्रत है, क्योंकि शिवरात्रि आप करेंगे या ना करें, शिव की कोई भी परेशानी नहीं, कृष्ण की कोई परेशानी, आप जन्माष्टमी करें कि नहीं, लेकिन एकादशी व्रत आप नहीं करेंगे तो प्रभु के मन में खेद होते हैं, दुख होते हैं, क्योंकि एकादशी मेरे प्रिय व्रत होते हैं, तो ये व्रत भी साधु संत सभी लोग नहीं कर पाएंगे, वो उपवास व्रत है एकादशी, और तुलसी का जल पीना पड़ता है, अन्न को छोड़ देना चाहिए, अन्न में पाप बैठा रहता है, वही तो शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो व्रत भी लोग नहीं कर पाएंगे, साधु संत भी नहीं करेंगे, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम से लोग रोग में यही परेशानी में पड़ेंगे, वही बात लिखा है महापुरुष में, चार रोग घर घर में होंगे, वही बात आप लिख कर रखिए, हम बता रहे हैं आपको, सभी घर मेडिसिन स्टोर बन जाएगा, आगे अगली साल के अंदर बहुत सारा लोग हमारे इंडिया में जो महत्वपूर्ण लोग है, उच्च उच्च पदवी में है, वही लोग चले जाएंगे, आप ये बात भी लिख कर रखिए, मालिका में ये बात भी लिखा है, 2023 में बड़ा बड़ा लोग हमारे जो श्रेष्ठ पद में बैठे हैं, वही लोग बीच में नहीं रहेंगे, बीच में नहीं रहेंगे, ये तो खेद की बात है, दुख की बात है, वही लिखा है महापुरुष अच्युतानंद ने, वही आपको बताया, बता जा रहे हैं, हम वीडियो में बता रहे हैं, बिल्कुल, और क्या होगा, अभी लिख कर रखिए, अगले जो बैंकिंग सिस्टमेटिक है वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट नहीं काम करेंगे, महापुरुष अच्युतानंद लिखा है, उड़िया के पद सुनाने की जरूरत नहीं, नहीं आप बोल दीजिए अच्छा रहेगा, महापुरुष ने लिखा है जो अगले क्या होगा ना, इंटरनेट भी बंद हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, और जो हमारे महापुरुष अच्युतानंद लिखा है आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, क्या होगा कि वे 7 दिन और 7 रात अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि आप सूर्य को देख नहीं पाएंगे, वही भी अब महापुरुष अच्युतानंद लिखा है, क्या लिखा है, बोले शेष को मरीबे से ही ताकु बोईबा को नथिबे के ही लो जाई फूल आलो जाई फूल लोक दरजा फिटिबो नहीं जाई फूल। इस पद का अर्थ है लोग इतना स्वार्थी बन जाएंगे, घर घर में लांस होगा, जो शमशान तक लेने वाला कोई होगा ही पहुंचाने नहीं। वाला कोई नहीं होगी, और लोग ये जो
आएगा और सारा वायरस आएगा, डर के लोग मरेंगे, बिल्कुल गांव गांव जो है खाली पड़ जाएगा और एक गांव में मुश्किल से दो चार लोग ही रह रहे। देखिए ये बात लिखा है, इस बात आपको लिखकर नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो बात 600 साल के पहले से ही लिखा है, लिखा गया है जब हमने इस वीडियो को बनाए आपके लिए, क्योंकि उड़ीसा में जो जन्म लिए थे महापुरुष अच्युत आनंद श्री जगन्नाथ कृपा से, वो क्या नहीं लिखा, अगले जो होगा जो अगले होने वाले हैं वही के बारे वही भविष्य के बारे, भविष्य के बारे में क्या बताए, वही बात हम बता रहे हैं। हम भारत में रहकर आप इस बात को और इस वीडियो को सुनकर आप हृदय में और निश्चित रूप से आप कहेंगे हम भारतवासी सबसे अच्छे हैं, इसलिए हमारे जो महापुरुष पैदे इस भारत में पैदे, और हिंदू और नारी जो नारी हम देख रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं ब्रह्म को पैदा कर सकते हैं, हमारे भारत में ही ब्रह्म पैदा होते हैं, हिंदू नारी प्रभु राम को प्रकट करते हैं, कृष्ण को जन्म दे देते हैं, ये हिंदू नारी है। तो भारत में आपको रह कर ये गर्व होगा हमारे वीडियो देखकर, क्योंकि इस भारत के उड़ीसा में अच्युतानंद महापुरुष आगे भविष्य के बारे में जो बात बताइए वही सच निकले, और इस बात को आपको सुनना पड़ेगा। तो एक तो आपने बता दिया कि बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं कि 7 दिन 7 रात अंधेरा भी होगा, और क्या क्या लिखा गया है? लिखा है महापुरुष लिखा है जे कलयुग में लोग जो अपने स्वार्थवादी हो जाएंगे, और लोग जो लोग हैं वो मंदिर जाएंगे लेकिन मंदिर में क्या करेंगे, महापुरुष लिखा है वही अच्छे बात लिखा है कि मंदिर में जाएंगे लेकिन मंदिर में उनके मन नहीं होगी। कहाँ पर मन है, ये कलयुग में लोग मंदिर जाएंगे लेकिन पर के अनिष्ट करने के लिए और दूसरे के अनिष्ट करने के लिए लोग मंदिर जाएंगे, दूसरों को मुसीबत में डालने के लिए, दूसरों को परेशान में डालने के लिए वो जाएंगे। तो वही बात लिखा है महापुरुष अच्युत आनंद ने, ये लोग मंदिर तो जाएंगे लेकिन दूसरे को मुसीबत में डालने के लिए, दुआएं मांगने के लिए, वो मर जाए हट जाए वही बात बताने के लिए प्रभु को ये मंदिर जाएंगे लोग, वो मेरे रास्ते में कांटा बन कर आएगा। तो लेकिन उड़िया उड़िया में एक पद है, अब सुनकर आनंद होंगे, जे पांच परर मंद तामंद पांचमती गोविंद, इसका अर्थ है जो दूसरे के लिए खराब सोचे बुरा सोचता है खराब सोचता है उसका ही खराब ही होता है, क्योंकि बुरा सोचने वाले की बुरा ही होता है। आप देखेंगे बुरा नजर वाले तेरे मुंह काला, पीछे जो लिखा लिखा है वही तो बताया, तेरा मुंह काला, तेरा मुंह काला, जो दूसरे को गलत तरीके से देखता है उसका ही गलत गलत उसके साथ लास्ट अंत में उसके साथ बुरा ही होता है, क्योंकि वही भी महापुरुष लिखा है। एक कुछ दिन के बाद एक लड़का ने साइकिल चलाते हुए गड्ढे में गिर गए और लोग उठाकर डॉक्टर के पास ले गए, और लोग पूछते थे बच्चे को पूछे इसे क्या हुआ, इसे हालत क्यों है, साइकिल चलाते हुए गड्ढे में गिर गए, तो डॉक्टर भी परेशान हो गए, लोग किस तरह के रास्ते बनाते हैं, लोग तो खा जाते हैं, सब गांव में हंसते जो पैसा हंसते लोग तो खा जाते हैं क्या करे। तो बच्चे ने कहा आप जो रास्ते बनाते हो उसको गाली मत दो। बच्चे क्यों ना, वो उस रास्ते को हमारे पिता ने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट लेकर, हमारे पिता ने बनाए थे जो रास्ते में गड्ढे हो गए, तो मेरे पिताजी ने बनाए थे रास्ते में गिरा मैं गिरा। तो दूसरे के लिए जो मुसीबत पैदा करता है वो अपने मुसीबत में ही अपने आप पड़ जाते हैं, वही बात हम दिखते हैं भागवत में लिखा है, श्री रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी संत तुलसी ने लिखा है, कलयुग का लोग स्वार्थवादी होंगे, सुर नर मुनि सब के यहाँ रीति स्वार्थ लागी करे सब वृद्धि, गोस्वामी ने लिखा है सुर नर मुनि और सबके यहाँ रीति है, क्या रीति है ना, स्वार्थ लागी करे सब वृद्धि, स्वार्थ के लिए सब प्रीति करते हैं, स्वार्थ खत्म रिलेशनशिप खत्म जब बताए थे, तो वही लोग देवता और देवियों से भी क्या करेंगे ना, स्वार्थ के लिए भक्त बनेंगे, वह भी महापुरुष ने लिखा है। बहुत सारा लोग भक्त बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे ना, भक्त बनेंगे लेकिन भक्त नहीं, क्योंकि साधु होना ये 10 रुपये में साधु हो सकते, माला ले आओ तिलक ले आओ, लेकिन अंतर से साधु बनना 100 जन्म बीत जाते हैं, लेकिन लोग साधु नहीं बन सकते,
साधु अंतर से हो सकता है, आप अंतर से बनिए साधु, बाहर से नहीं, क्योंकि यूं ही बोल देने से कुछ नहीं होगा, आप भीतर को शुद्ध करिए, क्योंकि साधु का अर्थ शुद्ध है, जो अंतर को शुद्ध करता है वही साधु है। लोग यहाँ साधु होने के लिए ये माला तिलक और कुछ की कुछ द्रव्य की आवश्यकता नहीं, साधु होना है तो अपने अंतर से बनिए, हृदय से बनिए और शुद्ध से बनिए, शुद्ध हृदय को शुद्ध रखिए और वातावरण भी शुद्ध रखिए, क्योंकि महापुरुष ने लिखा है अगले इस 10 साल में क्या घटना होने वाले है, ना 10 साल में हमारा क्लाइमेट बिगड़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज, हाँ चेंज हो जाएगा, और लोग बहुत सारे परेशानी में रहेंगे, क्योंकि वो जो लिखा है मालिका में लिखा है लोग कैसे मरेंगे ना, लोग जो क्लाइमेट चेंज से हो नाना दीप जब बहुत सारे जो मतलब त्रासदी आएंगे या फिर वो महामारी आएगा, महामारी आएगा, हाँ। क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, महापुरुष ने लिखा है जे बहुत सारे लोग ये जो उलझन में विपर्जय होगा, और बाढ़, बहुत सारा बाढ़ आने वाला है, वो भी महापुरुष लिखा है, चाहे भूकंप हो गया, चाहे वो बाढ़ हो गया, चाहे महामारी हो गया, तो वही से लोग अपने अपने रास्ते में जाएंगे तो गिर जाएंगे, कैसे गिर जाएंगे ना, इसे ही रोग आएगा, महापुरुष लिखा है चलते चलते लोग गिरकर मर जाएंगे, वो ही रोग भी आने वाले हैं, आपको बता रहे पहली बार कि लोग चलते चलते लोग वो भी गिर जाएंगे, कैसे लोग डॉक्टर के समझ में नहीं आए, लोग क्या है, वो तो चल रहा था, हार्ट अटैक नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक नहीं, ऐसे ही चलते चलते कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, लोग तो चलते चलते ऐसा क्या हुआ कि वो लोग मर जाएंगे, और वही क्या होगा ना, ये वायु प्रदूषण भी होगा, महापुरुष ने लिखा है, और 10 साल में वायु प्रदूषण होगा, गर्मी इतना बढ़ जाएगा कि जो लोग इतने उलझन में आएंगे, इतने परेशानी में आएंगे, क्या होगा ना, ताप बढ़ने से धरती के जो तापमान है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, महापुरुष ने लिखा है, और जीना मुश्किल कर देगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, तो बढ़ जाने से बहुत सारा लोग, कई बार आपने सुना है कि सनस्ट्रोक भी होता है, सनस्ट्रोक में भी बहुत सारे लोग मरेंगे, ये भी बात बता है जी। तो आपने जो हमारे दर्शक है, आप मन में ये सोच रहे होंगे कि मालिका में कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं कि सभी ये मरेंगे, ये होगा, वो होगा, ये बता रहे हैं, हमारे दर्शक को मन में आते हैं बहुत सारा अच्छा चीज भी मालिका में लिखा है। हाँ सही बात, आपने पकड़ लिया, क्या क्या मालिका में लिखा है भाई, तो ये मरेंगे, लोग मरेंगे, ऐसे होगा, ऐसे होगा, क्या अच्छा क्या लिखा है, आपको बता रहे हैं वो अच्छा क्या लिखा है, तो बहुत सारा हमारे दर्शक को देख रहे हैं हम, उन्हीं को बता रहे हैं हम मालिका में क्या लिखा है ना, हर देश में लोग, सब लोग क्या करेंगे ना, मालिका में लिखा है लोग आध्यात्मिकता जो धर्म के बारे में सोचेंगे, और बहुत सारा लोग हमारे भारत देश में हिंसा छोड़ के सही रास्ते में चले आएंगे, और बहुत सारे लोग नाम संकीर्तन में मस्त हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग भगवान के नाम लेंगे, भगवान के नाम लेंगे, चूँकि आगे विपत्ति और याद आएंगे श्रीपति, तो प्रभु की याद आएंगे, और बहुत सारा लोग साधु बन जाएंगे, हृदय से साधु बन जाएगी, इस माला तिलक से कोई मतलब नहीं, हृदय से बहुत सारा लोग साधु बन जाएंगे, और अच्छे सोचने लगेंगे भाई हमको सब छोड़ देना है, हमार तो हमको तो जगन्नाथ की गोविंद के सहारा लेने वाले, दुनिया जो कहेंगे देखा जाएगा, लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, वही बात समझेंगे, बहुत सारा लोग प्रभु के बारे में सोचेंगे, वही बात भी मालिका में लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो बाबा जी आपको फिर एक बार बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर आपने बात बताई हमारे दर्शकों को। तो दोस्तों आप अभी सुन रहे थे बाबा दिवाकर दास महाराज जी को, जो आप बता रहे थे कि अगले 5 साल में ऐसे धरती का तापमान बढ़ेगा, जीना मुश्किल कर देगा, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी मुसीबत के कारण बन के हमारे सन्मुख खड़ा होगा। खाली इतना ही नहीं, बाबा जी ये भी बोल रहे थे आगे चल के घर घर में ये सब बीमारी, 4 बीमारी उनका नाम लिए, एक हो गया आपका ब्लड प्रेशर, दूसरा हो गया डायबिटीज, तीसरा हो गया गैस प्रॉब्लम, तीसरा आपका हो गया हार्ट स्ट्रोक। तो ये सब बीमारी के चलते मौत की सिलसिला शुरू हो जाएगा, शुरू भी हो भी चुका है, बाबा जी ये भी बोल रहे थे आगे चल के सैटेलाइट कनेक्शन कट जाएगा, बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, और मोबाइल हाथ का खिलौना बन के रह जाएगा। तो ये सब बातें हम आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जबकि मालिका में जो कुछ भी लिखा गया है उसके बारे में आप तक ये सब जानकारी पहुंचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। तो फिर
जुड़े रहिए। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आपका मत दीजिए, और भी मालिका के बारे में क्या क्या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी बताइए। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, भारत के किस प्रदेश से आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर विदेश से आप कहाँ से, कौन सी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी लिखना मत भूलिए। जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्रेष्ठ अवतार कौड़की अवतार, कौड़की अवतार किए, कौड़की अवतारंक नाम कौन, प्रभु केउठी जन्म नेबे, प्रभु को चिन्हिबा पई कौन सब संकेत देखिबा को मिलिब, मीन शनि योग केबे हेबो, सात दिन सात राती अंधार केबे हेबो, बाईसी पहाचरे मीन केबे खेलिब, केबे सरिब एई कलिजुग, ए समस्त विषय रे जानिबा को चाहुछंति कि आपणंकर विश्वास चैनल सत्यभंज प्रकाशित एवं श्री पुलिन बिहारी पंडा लिखित कल्किलीला पुस्तक आज ही बुक करूँ 876314898 व्हाट्सअप नंबर रे।